हे गाइस, वेलकम टू माय लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने ले जा रही हूँ गुजरात का एक बहुत ही फेमस मंदिर जिसे सारंगपुर कहते हैं, और ये हनुमान जी का बहुत ही फेमस और आध्यात्मिक मंदिर है। तो हम निकल पड़े हैं बड़ौदा से बाय कार, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा से सारंगपुर का रास्ता बाय कार तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का है। मैं मेरी फैमिली के साथ निकल रही हूँ अभी, और जैसे जैसे हम आगे पहुँचते जाएंगे मैं आपको आगे की अपडेट देते जाऊँगी। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, रात हो चुकी है और हम अब सारंगपुर के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। सामने कुछ मुझे दिख रहा है बैनर, तो हम देखकर आगे बढ़ेंगे कि यहाँ से आगे कहाँ जाना है हमें। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर 14 किलोमीटर। जी हाँ, यहाँ से अब बस हमें 14 किलोमीटर ही आगे बढ़ना है, और टर्निंग आ चुकी है। फाइनली हम सारंगपुर मंदिर पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, यहां पर ये व्हाइट हाउस है जहां पर आज हम नाइट को होल्ड करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि रूम अंदर से कुछ इस तरह से है, बहुत ही साफ सुथरा और डिसेंट। वाओ, मैं, मेरे दो बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम 4 जन यहाँ रुकने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है रंग बिरंगी फूलों के साथ। अभी मैं इस व्हाइट हाउस में ही रुकी हूँ। हाय पिया, ये मेरी बेटी थी। देखिए, आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। हर तरफ हरियाली है, और बाहर ये सामने जो है वो शिवजी का मंदिर है। ये देखिए, मैंने जूम कर दिया है आपके लिए। नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। ये गेट है हनुमान जी के मंदिर का, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। ये मेरी बेटी है, और यहाँ से एक तरफ लेडीज की लाइन लगती है और एक तरफ जेंट्स की। दूर दूर से यहाँ भक्त अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। ये उनकी श्रद्धा और विश्वास ही है जो उन्हें यहाँ तक खींच कर लाता है। कभी अगर आप गुजरात आए तो इस हनुमान जी के मंदिर की दर्शन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा भी है। ये देखिए, हम पास पहुँच चुके हैं मूर्ति के। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंदिर के दूसरी ओर ये स्वामी नारायण टेम्पल है। आप देख सकते हो कितना भव्य मंदिर बनाया हुआ है, और ये हमारे बच्चे जो है वो यहाँ खेल रहे हैं। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। यहाँ पर ये स्वामी नारायण जी की धर्मशाला है। आप आसपास का ये पूरा परिसर देख सकते हो, कितना स्वच्छ, और सुबह की ये पक्षियों की किलकारियाँ, बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है यहाँ आने से। और ये स्वामीनारायण जी का टेंपल है। वाओ, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।